नमस्कार, मैं भूपेश सिंहवाद और आप देख रहे हैं आवाज 24/7। जीत चुके हैं, ऑलमोस्ट जीत के गर्व है। मैंने जैसा को बताया कि पल पल प्रत्याशी जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं, समय पास आ रहा है और प्रत्याशी अब यहाँ आ रहे हैं। कश्मीर के समर्थक यहाँ पे हैं, उनके लोग यहाँ पे हैं। आप देख पा रहे सौरभ बगुड़ा सामने हैं। अगर आपकी बात करें तो सौरभ बगुड़ा यहाँ पे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि जब काउंटिंग खत्म होगी तो सबसे ज्यादा वोटों को सौरभ बगुड़ा इसमें जीते हैं। और कौन से ऐसे काम है जो आपको कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे काम है जो कोरोना काल में रुक गए थे। सौरभ हमारे स्टेडियम की बात ऐसे बहुत सारे काम है जो कोरोना काल में रुक गए थे। मैं प्राथमिकता से इन बात में सदन में सोच रहा हूँ, उनकी उम्मीद है कि भैया चलते चलते मैंने कहा था कि तारगंज पूरा षडयंत्र के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा काम किया था। मैं आपको बताऊँ सौरभ बगुड़ा ने और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के चीफ सेक्रेटरी को दूंगा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूंगा। और जो मेहनत हमने 5 साल से कार्य करी है, जो विकास योजना पर भारत बना रहा है, देखो सरकार आपकी बनने जा रही है, क्या माना जाए लोग प्रतिरोध लेगा। देखिए, मुझे पार्टी ने जितना भी सम्मान दिया है वो मेरे लिए बहुत है। पार्टी फैसला करती है और जो भी पार्टी का फैसला होगा सम्मान्य होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जिस रोल में भी हमको ड्यूटी दी गई है हम उस रोल को मैं फिर वही कह रहा हूँ। मैंने अभी वही चीज बताई कि एक सौरभ बगुड़ा ही एक नाम ऐसा था जिसपे बीजेपी का तमगा नहीं था, क्योंकि वहां तक मुस्लिम वोट भी बहुत है। उनने भी ये कहा था कि हमें बीजेपी से मतलब नहीं, हमें सौरभ भैया से मतलब है। ये वही परिणाम है कि सबसे ज्यादा वोटों से आप जीतते जा रहे हैं। ये मैं इसको ऐसे नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि मोदी जी का सपना था सर्वधर्म सम्मान, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और ये बाकी सीटों पे इसका असर नहीं, अभी मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैंने उसी प्रोजेक्ट पे काम किया, उसी प्रोसेस पे ज्वाइन किया और मैंने हर समाज को साथ लेकर चलने का काम किया। मैंने हर भाषा में भी यही कहा कि सितारगंज की असली जीत तभी होगी जब सितारगंज का हर धर्म हर वर्ग हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तभी सितारगंज का विकास माना जाएगा। और आज अच्छा लगा कि मुझे हर धर्म हर जाति हर समुदाय के आदमी ने मुझे अपना विश्वास दिलाया है, मुझ पर मुझे जिताया है। मैं सबका पूरे सितारगंज की जनता का धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ये प्यार ये मोहब्बत ये विश्वास मुझ पर हमेशा ऐसे ही बना रहे ताकि मैं सितारगंज की सेवा कर सकूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया पिछली बार जीती थी, अब वो आंकड़ा कम होता दिख रहा है, 4 से 5 या पांच साल की हमारी सरकार रही, 2 साल में कोरोना जैसी भीषण महामारी रही, थोड़ा सा उसके बाद भी हम 47 सीटों पे जीत रहे हैं। बढ़िया, उसको तो मैं कहूंगा कि पब्लिक ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी पे कि क्षेत्र को इस देश को और इस प्रदेश को कोई आगे ले जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है। और आपने देखा किस तरीके से हरीश रावत जी जो अपने आपको बीजेपी के कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने की सोच में थे, वो 14,000 वोट से लाल कुआं हारे हैं, तो आप उसका खुद परिणाम सोच सकते हैं। तीसरा चुनाव आ रहे हैं, 2 MLA हार गए, 1 MP हार गए, कांग्रेस को नकार दिया गया है और उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त। ये जीत सौरभ बगुड़ा की है, ये जीत बीजेपी की, पार्टी के संगठन की है, पार्टी के हर कार्यकर्ता की है, संगठन की है और हमारे शीर्ष नेतृत्व की है और सौरभ बगुड़ा संगठन से बाहर। कहीं ना कहीं इस बार अब मंत्री पद की जिम्मेदारी मिलती दिख रही है? मैं इतनी दूर की नहीं सोचता, पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया है, इतने युवा आदमी को 2 बार उन्होंने सितारगंज का नेतृत्व करने का मौका दिया है और जो भी रोल पार्टी मुझे सही समझेगी पार्टी संगठन के अंदर पार्टी में मैं उसको काफी ज्यादा फोटो से इसमें सौरभ बगुड़ा जीते हैं। मैंने आपको फिर आपको एक तरीके से आपने बता दूं 9 विधानसभाओं की मैं आपको अपडेट दे दूं। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी जो इसमें मौजूदा CM है वो पीछे चल रहे हैं, नानकमत्ता से कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल सिंह राणा आगे चल रहे हैं और सितारगंज जैसे अभी हमने बताया सौरभ बगुड़ा जीत की कगार में है, ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। मैं आपको बताऊँ जीत की कगार में है और वहीं अगर बात उनकी इच्छा से राजपेगढ़ काफी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हमको आगे चल रहे हैं, रुद्रपुर बीजेपी की सीट निकलती दिख रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 9 राउंड हो चुके हैं, 9,000 के आसपास का डिफरेंस है, 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। मैं अब
बात करूँ गदर की तो अरविंद पांडे और लोग जीत चुके हैं। बाजपुर की बात करूँ तो वहाँ से यशपाल आर्या जीत चुके हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। काशीपुर की अगर मैं बात करूँ तो बीजेपी के प्रत्याशी चीमा वहाँ से जीतते दिख रहे हैं और जसपुर में कांग्रेस जीत चुकी है। ये अभी तक दो विधानसभा को मैंने आपको बताया। और अभी तीसरी हॉट सीट की मैं बात करूँ भागपुर, जहाँ पे पूर्व सीएम कांग्रेस के हरीश रावत थे वो हारते दिख रहे हैं। मैं तो हम लोग 14,000 वोटों से हार चुके हैं। मैं बोलूँ कि अब कुछ ही बस एक बोलूँ एक औपचारिकता शेष रह चुकी है। ये मैंने आपको पल पल की अपडेट दी, बने रही है आवाज़ 24/7 के साथ। मैं सुपेश चौहान अपने कैमरामैन वीरू के साथ। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त सर।